चलें, अदाकारी तो हो गई, फने अदाकारी तो हो गई, इसके अलावा क्या आपकी मसरूफियात होती है? कोई खाना खाना भी पका लेंगे हो, या कोई धंधे भी कर लेंगे? जी सब कुछ कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी क्या पका लेती है, अगर कहीं गलती से मैं आई क्या होता? नहीं, आप सर आएंगे जो कहेंगे मैं बना दूंगी, खाना भी बना लेती, घर के सारे काम कर लेती। अच्छा माशाल्लाह, खाने में क्या पसंद करती हैं आप? क्या ज़्यादा आप समझती हैं कि क्या आप अच्छा बना लेती हैं, क्या पसंद करती हैं खाने में आप? ज़्यादातर तो बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ, और सब्जियों में चिकन वगैरह डाल के कोई भी सब्जी के मैं बना लेती हूँ। नहीं, चिकन ज़रूर पाना है, तुम छोटा गोश्त पा लो। जी मटन भी डाल सकते हैं, ऐसा तो कोई इशू नहीं है। अच्छा अच्छा लाइबा, थिएटर में आप परफॉर्म करती हैं, आपको फैमिलीज भी नज़र आती होंगी, आप क्या समझती हैं पिछले चंद सालों में ड्रामा कुछ बेहतर हुआ है, कुछ थोड़ी सी बेहतरी हुई है? सिर्फ इसलिए मैं लिहाज से आपसे पूछ रहा हूँ कि फैमिलीज भी आपको कहीं ना कहीं तो नज़र आती होंगी। जी बेशुमार फैमिली नज़र आती है, पिछले दिनों में मैं नाज कर रही थी, माशाल्लाह उधर भी बहुत ज़्यादा फैमिली आई थी, अभी अलहमरा में आई हूँ तो इधर भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फैमिली आ रही है, और इंशाल्लाह मज़ीद हम कोशिश करेंगे हमारी बहनें आके हमारा ड्रामा देखें तो कोई ऐसी गलत बात ना करें। तो लाहौर से बाहर चांस बना? जी लाहौर से बाहर भी बहुत ज़्यादा ड्रामे किए हैं, मगर अभी लाहौर में मैंने एंट्री की है, तो इंशाल्लाह मैं एक नाम बनाना चाहती हूँ अपना। अच्छा ठीक है, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी और तरक्कियाँ दे। गुजरांवाला में या कहाँ पे आपने किया, हमारे नाज़रीन ज़रा सुनना आपके लबों से चाहेंगे। गुजरांवाला में पंजाब थिएटर में भी किया है, और चौधरी में भी किया, मतलब जितने भी थिएटर है गुजरांवाला में सब में किए। अच्छा, एक स्यापा अजकल पे है लोगों को टिकटॉक का, तो भी पे है? जी पढ़ा था, अभी मैंने बंद कर दी। क्यों? बस मेरी फैमिली प्रॉब्लम हो रही थी। नहीं, फैमिली प्रॉब्लम इतने लोगों को तो एहसास ही नहीं है, लोग तो यही काम करते रहते हैं, राह जाते ब्रेक लाते हैं तो टिकटॉक बनाने शुरू कर देंगे, ये तो नहीं कोई शौक है? नहीं, मेरे घर में कोई इशू चल रहा था, इस वजह से मैंने बंद कर दिया। मुझे सिर्फ ये, मैंने आपसे ये मेरा क्वेश्चन था कि जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी, क्या आप उनके लिए कोई बात करना चाहेंगे? मैं तो चाहूँगी जो नए आ रहे हैं लोग इस फील्ड में तो ना ही आए तो बेहतर है, मगर घर के हालात मजबूरियों से इंसान मजबूर हो जाता है, जो पूरी मजबूरी से कदम उठाना पड़ता है। जी बहुत शुक्रिया लाइबा, आपने दिलदार ऑफिशियल चैनल को इंटरव्यू दिया, थैंक यू वेरी मच।